तिनसुकिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तिनसुकिया के तत्वाधान में आज युवाओं के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम और आत्मसम्मान का निर्माण। इस कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि के तौर पर तिनसुकिया की SDO सदस्य नुजहत नसरीन, ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग की राष्ट्रीय संयोजक अहमदाबाद से आई बहन कृति, गुजरात में सन 1971 से सेवा प्रदान कर रही बहन गीता दीदी, अरुणाचल प्रदेश तेजू की जयंती बहन, तिनसुकिया तिनसुकिया केंद्र की संचालिका बहन रजनी के अलावे अधिवक्ता सुशांत ठाकुरिया उपस्थित थे। इसके अलावे विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, युवा संगठनों के प्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीपांकर सैकिया द्वारा किया गया, जबकि उद्भेद्य व्याख्या एवं स्वागत भाषण बहन रजनी द्वारा दिया गया। मालूम हो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारीज ने नशा मुक्त भारत के लिए बड़ी पहल की है। नशा मुक्त भारत के लिए दोनों के बीच 3 साल के लिए MOU किया गया है। इसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थानों में लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में सेमिनार, मोटिवेशनल वर्कशॉप के जरिए जागरूक किया जाएगा। पूरे देश में ब्रह्मा कुमारी द्वारा अब तक करीब 400 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी के तिनसुकिया रंगपुरिया स्थित ब्रह्मपुत्रा पीस वैली रिट्रीट सेंटर के आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम और आत्मसम्मान का निर्माण जैसे गंभीर विषय पर बोलते हुए ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग की राष्ट्रीय संयोजक अहमदाबाद से आई बहन कृति ने कहा कि आज का युवा समाज विफलता और तनाव के कारण इस तरह के मादक द्रवों, ड्रग्स सहित अन्य नशीले पदार्थों के तरफ आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे इसके चंगुल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत लगने की प्रमुख कारणों में तनाव के साथ ही युवा अवस्था की बेपरवाही भी है। युवा प्रत्येक वस्तु को परखना चाहते हैं। गलत सोबत के चलते जब वे नशे को परखने की प्रक्रिया में जाते हैं तो यह लत में बदल जाती है, जिससे युवाओं का जीवन अंधकारमय हो जाता है। जरूरी है कि युवावस्था में युवा अच्छे एवं बुरे संगत के फर्क को समझे। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस फर्क को समझना पड़ेगा कि समाज में एक नशेड़ी का क्या स्थान होता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। तिनसुकिया की SDO सदर नुजहत नसरीन द्वारा आज के कार्यक्रम को सराहनीय बताया गया। अब आप सोचो कि ये डेटा कोई छोटा
सिचुएशन थी। मेरे मीठे प्यारे भाई बहन, ये जन्म हमें कुछ कर गुजरने को मिला हुआ है, तो मैं यहाँ से ये बात करना चाहूंगी कि दो प्रकार के लोग हमें इस दुनिया में बहुत देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के लोग, एक है जो खूब पैसा कमाते हैं, एक है जो खूब पैसा कमाते हैं और वो अपना पैसा सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लगाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है। बड़े बड़े इंडस्ट्री सोसाइटी का भी भला होते हैं। दूसरे वर्णों के, जिसको हम आज की भाषा में डॉन्स और माफिया कहते हैं, इंडस्ट्रियल लोगों का या इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे बड़े बड़े लोगों का, वो नेता है इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई भी है, उनका नाम भी रोज न्यूज़पेपर में आता है और ऐसे डॉन्स माफिया का नाम भी घर